पत्नी ट्विंकल और बेटे आरव के साथ अक्षय कुमार जब पहुंचे फिल्म देखने। देखें तस्वीरें। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार संडे को अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बेटे आरव कुमार के साथ मुंबई जुहू के एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखकर निकलते हुए स्पॉट किए गए। क्या आप जानते हैं अक्षय इन दिनों किस लिए चर्चा में हैं? हम बताते हैं। आपको याद होगा करीब 12 साल पहले सलमान खान ने फिल्म नो एंट्री में काम किया था। फिल्म सुपरहिट हो गई थी और उसके बाद से थोड़े थोड़े अंतराल के बाद लगातार यह खबरें आती रहीं कि इस फिल्म का सीक्वल बनने वाला है जिसमें सलमान खान फिर काम करेंगे, लेकिन लगता है अब ऐसा नहीं होगा। अनीस बज़मी निर्देशित नो एंट्री के सीक्वल को नो एंट्री में एंट्री का नाम किया गया है। करीब साल भर से ये कहा जा रहा है कि इसका सीक्वल बनाया जाएगा और पहले भाग के कुछ कलाकारों को छोड़कर सलमान खान सहित बाकी सब फिल्म में काम करेंगे, लेकिन सलमान खान ने अब एक नो एंट्री में एंट्री ली ही नहीं। ताज़ा खबर ये है कि अब इस फिल्म में अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं, वो भी सलमान खान वाले रोल में। जानकारी के मुताबिक नो एंट्री में एंट्री की स्क्रिप्ट लगभग फाइनल कर ली गई है और जल्द ही इसकी स्टार कास्ट को भी तय कर लिया जाएगा। हालांकि इस फिल्म में अक्षय कुमार की एंट्री के बारे में उनकी या निर्माता की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। बहरहाल इस एल्बम में आप देख सकते हैं जब खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी पत्नी और बेटे आरव कुमार के साथ सिनेमा देखने के लिए पहुंचे थे। अक्षय कुमार एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी पूरा वक्त देने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अक्षय और ट्विंकल के साथ उनका बेटा आरव तो नजर आया, लेकिन बेटी निपतारा नहीं दिखी। अक्षय कुमार के बेटे आरव के बारे में आप जानते हैं कि तमाम स्टार सन्स की तरह वे भी लगातार खबरों में बने रहते हैं। बहरहाल फिल्मी सितारे भी आम लोगों की तरह छुट्टियों का पूरा इस्तेमाल करते हैं।